Hello everyone, my name is Prasenjit Rai. Welcome to our data community YouTube tech channel. So let's start today's tech news. आज Saturday है तो ज़्यादा tech news है नहीं, फिर भी जो tech news है तो पहली शुरुआत करते हैं IQ की तरफ से. IQ की Z5X को लेके Vivo की एक मॉडल नंबर TC 3C सर्टिफिकेशन पे देखा गया है. जो मॉडल नंबर है वो है Vivo 2131A. बताया जा रहा है कि ये जो मॉडल नंबर है ये शायद IQ की Z5X हो सकती है. अगर इसमें आपको डायमेंसिटी की 900 चिपसेट देखने को मिल सकती है और ये इसमें आपको फुल एचडी की डिस्प्ले भी देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस को लेके. इसकी कुछ ऑफिशियल मतलब पोस्टर वगैरह लीक हो गई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रियलमी की क्यू सीरीज को लेके. बताया जा रहा है कि रियलमी के क्यू सीरीज में दो नए स्मार्टफोन चाइना में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकती है. और बताया जा रहा है कि रियलमी क्यू में जो पहला स्मार्टफोन आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें शायद क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिलेगी. और जो दूसरी वेरिएंट है उसमें आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी की 1200 चिपसेट देखने को मिल सकती है. और इसकी जो मॉडल नंबर कुछ दिन पहले आप लोगों को देखे थे हम लोग RMX3357. बताया जा रहा है कि यही मॉडल नंबर रियलमी Q5 हो सकती है. नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो सैमसंग की तरफ से आ रही है. सैमसंग की कुछ A सीरीज और M सीरीज में कुछ डिवाइसेस को लेके प्रॉब्लम हो रही है. बताया जा रहा है कि ये जो डिवाइसेस है ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रही है जब इस जो इसकी ऑनर है वो जब सैमसंग की सर्विस सेंटर पर इसको लेके जा रही है तब वहाँ पर इन डिवाइसों का मदरबोर्ड रिप्लेस करके दे रही है. अब उन मदरबोर्ड रिप्लेस करने के टाइम लोगों का कॉस्ट अप टू 5000 पर रहा है. अब सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है, अगर सैमसंग के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा, पोको की जैसा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कर सकते हैं. जो नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है. चाइना में बिटकॉइन को बिटकॉइन और किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को इलीगल बताया है. और ये भी बताया है कि शायद ये जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शन होती है इसे बहुत ही जल्द बैन भी कर सकती है चाइना. नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो रियलमी की टेक लाइफ को लेकर आ रही है. रियलमी के टेक लाइफ में आप लोगों को ER प्यूरीफायर के साथ साथ एक आप लोगों को वैक्यूम क्लीनर भी देखने को मिल सकते हैं जो सितंबर 30 तारीख को लॉन्च होगी. और बताया जा रहा है कि रियलमी का एक वायरलेस माउस भी हम लोगों को बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है Xiaomi की CV सीरीज को लेके. बताया जा रहा है कि इसमें आपको क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ इसमें आपको 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाएगी. आज की टेक न्यूज़ यही तक थी. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़.